नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है सिवराई से। उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल भदौरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ठहराव सुनिश्चित कराने हेतु स्टेशन अधीक्षक को पत्रक सौंपा। दिए गए पत्रक में बताया कि हाजीपुर जोन अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे दानापुर से संबद्ध भदौरा रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 काल में बंद ट्रेनों का परिचालन शुरू होने के बावजूद भदौरा रेलवे स्टेशन पर उसका ठहराव सुनिश्चित नहीं किया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि भदौरा रेलवे स्टेशन टिकट बिक्री में तीसरा स्थान रखता है। इसके साथ ही आसपास के दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग सिवराई तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और अस्पताल के दर्जनों अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन यात्रा करते हैं। बीते हुए कुछ दिनों में इस रूट पर फरक्का एक्सप्रेस का प्रचार शुरू किया गया था, लेकिन ठहराव नहीं था। पत्र के माध्यम से सभी ने भदौरा रेलवे स्टेशन पर पुनः फरक्का एक्सप्रेस फ्रॉम पटना कोटा एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित करने की मांग की। इस बाबत स्टेशन अधीक्षक रमेश कुमार ने बताया कि पत्रक को संबंधित उच्च अधिकारियों के अगली कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। इस मौके पर छात्र नेता विपुल सिंह, राजू खान, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हरिजी, गुड्डू अग्रहरी, दिनेश अकेला, पिंटू श्रीवास्तव, पंकज रैनियार, धर्मदेव कुशवाहा, राम अवध कुशवाहा, त्रिलोकी गुप्ता, अनिल आदि लोग मौजूद रहे। ये खास रिपोर्ट थी नसीम खान की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।